दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। श्री हरमंदिर साहिब के केंद्रीय सिख अजायब घर में पूरी रस्मों से बाबा उत्तम सिंह जी कार सेवा खडूर साहिब वालों की तस्वीर लगाई गई। इस दौरान तस्वीर से पर्दा हटाने की रस्म श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह ने अदा की। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए ज्ञानी गुरबचन सिंह ने कहा कि बाबा उत्तम सिंह जी एक महान शख्सियत है, जिन्होंने अपना सारा जीवन ऐतिहासिक गुरुधामों की सेवा संभाल व विद्या के प्रसार में निकाल दिया। उन्होंने बताया कि उनका जन्म 1920 में गाँव अलादीपुर जिला तरनतारन में हुआ था और 1992 में वह गुरु ध्यान सिधार गए थे। उन्होंने अपने जीवन के 60 वर्ष गुरुधामों की कार सेवा को समर्पित किए। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज केंद्रीय सिख अजायब घर विखे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों प्रवानगी मिली। इतने बाबा उत्तम सिंह की जो सभायमान की गई है चित्र उन्होंने सुदास श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी विशेष तौर पर करमवाला साहब जी सदका सारा होया गुरु कृपा करे सच्चे पातशाह रहमत करे इस तरह सिख पंथ की कौम की सेवा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को करने का बल उद्यम बख्शिश करे। तो बाबा उत्तम सिंह सेवावान ने मुख रख के जो योग थान है दास धनवादी आ समुचे खालसा पंथ का धनवादी आ समूह सिंह साहबान समूह श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर साहबान सकत्र साहबान समूह संगतों का बहुत बहुत कुटान काट धनवादी है। गुरु वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज केंद्रीय सिख अजायब घर श्री दरबार साहब विखे संत बाबा उत्तम सिंह कार सेवा खंडूर साहब वाले की तस्वीर सुशोभित मान की गई है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों एग्जीक्यूटिव दे विच मता पास किया गया है जो गुरमत के प्रचार ते प्रसार वास्ते संतां महापुरशां दीआं शहीदां दीआं और जिन्हां ने प्रचार दे राहीं संगतां नूं शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहिब दे नाल जोड़िया है उन्हां दीआं तस्वीरां केंद्रीय सिख अजायब घर दे विच सुशोभित मान कीतियां जांदियां हन।